हेलो दोस्तों, मेरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल परिसोना म्यूजिक में आपका स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में बताया था रेफ्रिजरेटर के बारे में, बहुत सारा कमेंट आया जी कि एलजी की बताइए कौन सी बेस्ट रहेगी। तो हम ये वीडियो लेके आए हैं आप तक। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें और अच्छी अच्छी क्वालिटी की ब्रांड की रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन के बारे में बता सकते हैं। तो हमें सपोर्ट कीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं एलजी की ब्रांड की रेफ्रिजरेटर जो बहुत ही अच्छा क्वालिटी की है और ये आपको 4 स्टार की है। सबसे प्लस पॉइंट ये आप पहले देखिए, यहाँ पे लोगो है, ये एलजी ब्रांड की है, ये एलजी ब्रांड की है यहाँ पे। उनके बाद वारंटी की बात करें तो ये देखिए, इसमें 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी दिया हुआ है, 1 साल फुल्ली वारंटी रहेगा यहाँ पे। ये स्मार्ट इन्वर्टर से भी चल जाएगी आपको, ये फंक्शन प्लस पॉइंट है। तो चलिए और इनके बारे में, ये देखिए सबसे पहले मॉडल की बात करें, यहाँ पे देखिए JLB201ABCY, ये इनका मॉडल नंबर है। ये आपको हर स्टोर में मिल जाएगा, 4 स्टार है, यानी कि 4 स्टार में आपका ये मिलता है कि आपको 131 यूनिट बिजली कंजम्पशन करेगी 1 साल में पर ईयर। तो ये इनका हो गया। और दूसरी पॉइंट ये हो गया आपका कि ये 90 से 130 वोल्ट की अगर रहेगी तो ये आपको ऑटो कट स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं है, ये 90 से भी उठा लेगी। ये हो गया एलजी की क्वालिटी। इनका लुक भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। और ये देखिए, इसमें हैंडल भी दिया हुआ डबल, इसमें लॉक भी सिस्टम है एक, ये देखिए आप लॉक दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से ये हैंडल दिया है, एक ऊपर में हैंडल दिया हुआ है यहाँ से खोलने का। तो ये काफ़ी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। और इनको ओपन करके देखते हैं पहले। ये देखिए हम ओपन किए हैं, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन में दिया हुआ है ये फ्रिज। ये देखिए, ये सारा जो लगा हुआ है टफन ग्लास का है, ये आपका गिरेगा तो टूटेगा भी नहीं जल्दी से, काफ़ी मजबूत है इसमें। और ये भी देखिए टफन ग्लास का ये दिया हुआ है। और इसमें ये सिस्टम दिया है कि आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसको निकाल के यहाँ लगा सकते हैं आप। इसमें ये देखिए बॉक्स भी दिया है, वेजिटेबल बॉक्स काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा है, फास्ट फेसिंग जोन जो है ये भी काफ़ी अच्छा है, बड़ा भी है। आइस चैम्बर भी ये देखिए यहाँ पे है, जितने भी बर्फ़ जमेगी यहाँ पे होगा। और आइस यहाँ पूरा इसमें जम जाएगा पूरा, तो आप एक इसको कांटी से नहीं साफ़ करना है। इनका यहाँ पे है बटन दिया हुआ है, ये बटन दबाइएगा आप पूरा डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक एलईडी 10 वाट का दी हुई है कि अगर रात को लाइट की नहीं ज़रूरत है तो इसमें दी हुई रहती है। तो ये हो गया। और एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे मानसून के हिसाब से, अपना यहाँ सारा दिया हुआ है। ठंडा का अगर है, गर्मी है या मौसम बरसात का मौसम है, ये एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ये सारा टफन ग्लास की दिया होता है। तो काफ़ी अच्छा फीचर इसमें हमको देखने को मिल रहा है। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आप तो चाहें ये वाला जो है रबड़, इसको खोल के आप साफ़ भी कर सकते हैं। ये साफ़ करने से आपका जो है कुछ भी सामान रहेगा ख़राब नहीं होगा जल्दी से।
तो ये हो गया एलजी की, काफ़ी अच्छा कलर दिया हुआ है, ब्लू प्लस वाइट, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन में है। तो इनको बैक की तरह देखते हैं इनका, और ये इनका बैक है, इनका पोजीशन। मेन लाइन का ये हुआ आपका वायर, तो चलिए फ्रंट को देखते हैं इनका। ये देखिए ये फ्रंट हो गया इनका, या तो आप लाइन जहाँ नहीं है वहाँ सोलर से भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा देर नहीं चला सकते आप। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन में देखने को मिल रहा है। इनकी एमआरपी की बात करें तो ये आपको 18,500 या 19,000 तक आ जाएगी 4 स्टार की। ये सिंगल डोर आप घर में लगा सकते हैं, चाहे दुकान कहीं भी लगा सकते हैं। चीप एंड बेस्ट मॉडल ये है। तो ये रहा इनका रिव्यू। तो अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरा पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको सारा चीज़ का जानकारी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।